कैसे हो आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, है ना? कैसे कैसे भाई, पता चलता है जब आप लोग कमेंट्स करते हो इतने प्यारे प्यारे, तो पता चलता है कि पढ़ाई कैसी चल रही है। तो बच्चा लोग, आज हम लोग बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ क्या कहना चाहूँगी, एक ही बात कहना चाहूँगी कि भाई जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि वो लोग आके क्लास को ज्वाइन कर सके, ठीक है? और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है? तो बच्चा लोग, मैं हूँ विजेता, आपकी बायोलॉजी टीचर। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अपने चैप्टर के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, बिल्कुल मिस नहीं करना है, यहीं पे बने रहना है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है भाई, क्योंकि ये जो जानकारियाँ हैं ये हम सबको होनी चाहिए, ठीक है? लास्ट क्लास में आपने बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत सारी जानकारियाँ ली हैं। अब वो जानकारियों को भाई आगे बढ़ाने का मौका आ गया है, तो कैसे पीछे रहना है और जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज एक्चुअली में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है भाई एड्स के बारे में, ठीक है? तो एड्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एड्स पढ़ेंगे, ये क्या वायरस है वो पढ़ेंगे, कारण क्या है, संक्रमण क्या है इसका, उसके बाद इसका निदान या उपचार क्या है, और फिर रोकथाम के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो ये जो टॉपिक है एड्स, ये जो नाम है एड्स, भाई नाम से ही पता चल रहा है, लोग डर जाते हैं, रूह कांप जाती है कि एड्स ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पर क्या करना है भाई, ये चैप्टर आज आपके लिए ज़रूरी तो है, पढ़ने के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ये पर्सनल लाइफ के लिए, सोशल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपके साथ साथ और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एड्स के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, और उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली एड्स क्या है। बच्चों के साथ साथ जो बड़े लोग हैं उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एड्स क्या है, क्योंकि एड्स क्या है आज ऐसी बीमारी बन चुकी है जो लाइलाज बीमारी है, जिसके बारे में जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्लास को आज मजाक में कोई नहीं लेगा, कोई नहीं हंसेगा, सीरियसली लेंगे, सीरियसली समझेंगे कि भैया आज के लेक्चर में क्या है, ठीक है? तो चलो इसके साथ हम क्लास को आज शुरू कर देते हैं और बात करते हैं एड्स के बारे में, ठीक है? तो एड्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो एड्स क्या है, एड्स क्या है, एड्स चार शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम एड्स देखते हैं, AIDS, ठीक है, ये है एड्स, ये है चार शब्दों से मिलके बना हुआ है। चीज़ों को समझना बहुत इजी है, बहुत मज़ा आएगा समझने में, हंसना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से समझना है, ठीक है? तो चलो, एड्स का मतलब यहाँ पर भाई ए से हो गया एक्वायर्ड, ठीक है? आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, सबको मालूम है इसकी फुल फॉर्म क्या है, लेकिन फुल फॉर्म कैसे रखी जाती है भाई, कुछ तो मतलब होगा। अगर हमारे माँ बाप ने हमारा नाम रखा है, कुछ सोच के रखा होगा कि हाँ भाई, अगर इस बच्चे का नाम सूरज है, ठीक है, इस लड़की का नाम किरण है, इसका नाम पवन है, उसका नाम संध्या है, अर्चना है, पूजा है, जो भी है, तो हमारे माँ बाप ने बहुत सोच समझ के नाम रखा होगा। मेरा नाम विजेता है, ठीक है, मतलब विक्ट्री। तो ऐसे ही क्या है कि भाई माँ बाप नाम जो है सोच समझ के रखते हैं, तो ऐसे ही जो साइंटिस्ट होते हैं कुछ चीजें सोच समझ के ही रखते हैं नाम उनके, ठीक है? तो भाई मालूम तो है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड, आई से हो गया इम्यूनो, ठीक है, डी से हो गया डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, ठीक है, और एस से क्या हो गया, सिंड्रोम, ठीक। चलो जी, मान लेते हैं। अब इसके नाम से ही पता चल जाता है कि एक्चुअली में ये क्या है, यहाँ पर सारा क्या खेल चल रहा है। तो चलो भाई एक एक करके यहाँ पे जानते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं हमसे। तो भाई ये हमको बोल रहा है कि उपार्जित, एक्वायर्ड मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड की बात करते हैं तो ये होता है उपार्जित, ठीक है, उपार्जित होता है, यानी कि जो जन्म के बाद वाली चीजें आती हैं, यानी कि जन्म के बाद मिलता है ये, ठीक है, जन्म के बाद मिलता है। अब अगर हम इम्यून की बात करते हैं, ठीक है, इम्यून, तो इम्यून क्या है भाई, प्रतिरक्षण है ये, इम्यून क्या है, प्रतिरक्षण है ये, ठीक है, प्रतिरक्षण मान लेते हैं हम इसको। अब डेफिशिएंसी क्या है, डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज की कमी होना, अभाव होना, ठीक है, तो ये क्या है हमारी, डेफिशिएंसी हो गई है ये हमारी, यानी कि क्या है ये, कमी है, ठीक है, चलो कमी है। सिंड्रोम को क्या बोलेंगे हम, सिंड्रोम को क्या बोलेंगे हम, सिंड्रोम होता है भाई बीमारी या फिर रोग बोल सकते हैं, ठीक है, बीमारी या फिर रोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एड्स देखो अपने आप ही बता रहा है कि ये क्या है, ठीक है, यानी कि जन्म के बाद जो प्रतिरक्षण है उसमें कमी आना और उससे बीमारी होना, ठीक है। तो ये अपने नाम से ही बता रहा है कि भैया यहाँ क्या हो रहा है। अब सवाल आता है कि जब एड्स होता है
तो इंसान में क्या होता है, कौन सी कमियां आती हैं, ऐसी क्या दिक्कत होती है कि भैया इसको लाइलाज बोल दिया जाता है। तो चलो थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। तो हम यह कहेंगे कि यहां पर क्या होता है, जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ठीक है, अगले पेज पे आ जाते हैं। हाँ, तो यहां एड्स में क्या होता है, जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है, यहां पे क्या हो रहा है, इसमें यहां पर कमी आ जाती है, ठीक है, यहां पर कमी आ जाती है या अभाव हो जाता है चीजों का, ठीक है, अभाव हो जाता है, और उससे क्या होता है, एक साथ बहुत सारी बीमारी लग जाती हैं, एक साथ बहुत सारी रोग हो जाते हैं या बीमारी लग जाती है, ठीक है, हो जाते हैं, ठीक है, ओके, हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम समझ गए, अब यहां पे क्या है, इसका कोई अलग सिम्टम नहीं है, कोई खास अलग चीज नहीं है कि भैया अगर एड्स हो रहा है तो हाँ ऐसा हो गया होगा या वैसा हो गया होगा, नहीं भाई नहीं, कोई अलग चीज नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे सारे वही कॉमन सिम्टम्स हैं जो किसी भी इंसान को किसी दूसरी बीमारी में होते हैं, बुखार आना, पसीना आना, सर दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, यही सब कॉमन सी चीजें जो दूसरी बीमारियों में भी होती हैं। बस यहां पर जो कारक है, बस यहां पर जो कारक है, ठीक है, वो क्या करता है, वो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र से जाकर जुड़ जाता है, जाकर जुड़ जाकर जुड़ जाता है, ठीक है, और क्या करता है, जाता है और जुड़ जाता है, फिर क्या करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, क्लियर यहां तक, ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल यहां तक। अब अगर मैं बोलूं भाई कि सबसे पहले ये कहां पाया गया था, तो 1981 में ये यूएसए में पाया गया था, यूएसए में 1981 में सबसे पहले ये पाया गया था, ठीक, चलो जी मान लेते हैं। अब अगर मैं भारत की बात करती हूँ, हमारे भारत में ये कब पाया गया था, तो भारत में ये चेन्नई में मिला था, ठीक है, चेन्नई में मिला था, कब मिला था, 1986, चलो इसको फिर से लिख देते हैं साफ से, ये देखो नीट में आना वाला क्वेश्चन है, ये क्या है, नीट में जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है, 1986 में, ठीक है, अगर भारत की बात आती है तो इसको याद रखना है, यहाँ पे मैं बड़ा सा स्टार मार्क बना रही हूँ कि बिल्कुल ध्यान रखना है नीट के हिसाब से इसको, ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। अब अगर बोला जाए कि करंट कितने केसेस हैं यहाँ पर, अगर मैं करंट केसेस के बात करती हूँ, कहाँ लिखे करंट केसेस की बात करते हैं इंडिया में, तो लगभग यानी कि अप्रोक्स 24 लाख, ठीक है, 24 लाख भारत में आज के टाइम पे करंट केसेस हैं। और अगर मैक्सिमम केसेस की बात करते हैं कि मैक्सिमम कहाँ है, यानी कि सबसे ज्यादा ये केसेस कहाँ पाए जाते हैं, तो भाई मिजोरम में पाए जाते हैं, ठीक है, मिजोरम के बाद कहाँ पाए जाते हैं, ये नागालैंड, ठीक है, और नागालैंड के बाद मणिपुर। तो ये ऐसे तीन जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा केसेस पाए जाते हैं एड्स के, ठीक है। अब देखो बीमारियां तो बहुत हैं, इतनी बीमारियां हैं कि जिनका कोई नाम निशान हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं होता कि अच्छा कभी पता चलता है, अच्छा इस नाम की भी बीमारी है, ओहो हमें तो पता ही नहीं था, अच्छा ऐसा भी होता है, हमें तो पता ही नहीं था, है ना। तो सोचो इतनी सारी बीमारियों में से एक बीमारी है एड्स, और इतनी खतरनाक कि जबकि कोई खतरनाक नहीं है लेकिन वो ऐसी खतरनाक रूप ले लेती है, ठीक है, कि इम्यून सिस्टम पे सीधे अटैक करती है कि लो भैया ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना, कहावत है ना कि ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वही चीज है कि ना रहेगा इम्यून सिस्टम और ना ही इंसान बचेगा फिर,
तो कितनी तेज है देखो, ये सीधे के सीधे इम्यून सिस्टम पे वार करती है। ठीक है, चलो यहां तक तो मुझे लगता है कि भाई सब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक जानने वाली चीज और है, वो भी जान लो, कौन से कलर से लिख देते हैं। चलो लाल रंग उठा लेते हैं कि भाई ये जो एड्स का वायरस होता है, ये जो अगर हम इसके वायरस की बात करते हैं, ठीक है, तो वायरस है ये लिम्फोसाइट, ये कहाँ जाता है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट पे जाता है। ठीक है, और क्या करता है वहां जाके, इसको हम ये या फिर टी सेल बोलो, वहां जाता है और वहां पर जो टी हेल्पर सेल होती है, यानी कि टी सहायक कोशिका होती है, यहां पर क्या करता है ये टी सहायक कोशिका, ठीक है, कोशिका यहां जाता है और इस पे क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, इस पे क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाता है, इसको इसको जाके क्या करता है, पकड़ लेता है। बिल्कुल, अब मैं तुझे नहीं हिलने दूंगा यहां से, ऐसे बोलता है। ठीक है, अब जब सोचो कि हमने क्या बात करी है प्रीवियस क्लासेस में अब तक, कि भाई ये जो टी हेल्पर होता है ये क्या करता है, ये मारक कोशिका को क्या करता है, ये सहायक कोशिका जो है मारक कोशिका को वो देती है कि जाओ ये मेरा ऑर्डर है, तुम ऐसी कोशिका को भेजो जो ऐसे जीवाणुओं को और कवक को और विषाणुओं को क्या करेगी, मार भगाएगी, है ना। अब पता है कि भैया निर्देश ही ये दे रही है, यही ऑर्डर दे रही है, तो क्या करेगा, उसी को जाके पकड़ लेगा जो बॉस है। ले मैं बॉस को ही पकड़ लेता हूँ, कोई ऑर्डर ही नहीं देगा। तो ये जाके सीधे जो वायरस होता है ये इसको पकड़ लेता है, ताकि ये किसी और को ऑर्डर दे ही ना पाए, इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। बेसिकली घुमा फिरा के ये कहना था। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं थोड़ा सा कि लाइन हमें देखो पुकार रही है, आ जाओ मुझे भी पढ़ लो भाई। एड्स देखो कहने को तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि मजाक से हटके इस चैप्टर को अच्छे से समझो, हंसना बिल्कुल नहीं है, खुद भी जागरूक बनो दूसरों को भी जागरूक करो। ठीक है, और इसीलिए चैप्टर ऐसा नहीं है कि भाई ये जो है कि भाई सिर्फ 12th वालों के लिए ही जरूरी है, नहीं, 11th के लिए भी, 10th के लिए भी, और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि एड्स की जानकारी ऐसी है ना कि सबको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसा मेरा क्या मतलब, आप लोगों का भी ऐसी सोच होनी चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करो, जागरूक बनाओ एड्स के लिए। ठीक है, चलो अब एड्स शब्द जो है वो उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, यानी कि क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ठीक है, उसके लिए प्रयुक्त होता है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता यानी कि कमी, ठीक है, जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है, मतलब उसके पैदा होने के बाद होती है, जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता को कोई जन्मजात रोग नहीं है। ठीक, एड्स का सबसे पहला 1981 में पता चला था और लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में ये फैल गया है। सोचो, इस रोग से 2 करोड़ 50 लाख लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। ओह गॉड, सोच के देखो, 2 करोड़ 50 लाख एक किसी देश की आबादी हो सकती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो भैया एड्स एक विषाणु रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु यानी कि HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, के कारण होता है। HIV विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे पश्च विषाणु या रेट्रोवायरस कहते हैं, ठीक है, जिनमें RNA जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ क्या कहा जा रहा है कि भाई ये जो एड्स है ये क्या है, स्पेशल टाइप के वायरस से होता है, ये चीज समझो आप, क्या है, स्पेशल टाइप के वायरस से होता है, वायरस से होता है। ठीक है, कौन सा है वो वायरस, HIV, ठीक है, कौन सा है वो वायरस, HIV वायरस है, ठीक है, मान लेते हैं। अब हमने क्या बोला कि ये जो HIV वायरस है, ये जो HIV वायरस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पश्च विषाणु भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पश्च विषाणु भी कहते हैं। HIV जो है वो इसकी जाति है, ठीक है, HIV जो है इसकी जाति है। ठीक, अब ये जो HIV है, ठीक है, ये जो HIV है ये क्या है, विषाणु जनित रोग है। ठीक है, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, ये जो क्या बोले हम कि एड्स क्या है, एड्स
अगर मैं एड्स का बोलूं तो एड्स क्या है? विषाणु जनित रोग है, ठीक है? ये जो है विषाणु जनित रोग है, और विषाणु क्या है भाई हमारा? HIV, ठीक है? एड्स क्या है? विषाणु जनित रोग है, और हमारा HIV क्या है? वही विषाणु है, यानी वायरस है, ठीक है? चलो इतना क्लियर। अब यहां पर क्या होता है, हमको मालूम है HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है? तो ये जो HIV है, यहां पर क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है यहां पर हमारा, इसमें क्या होता है, कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है? कमजोर हो जाता है ये। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारा खेल चलता है, ठीक है? ये शॉर्ट में पूरा वो है जो आपने अभी यहाँ पीछे सब कुछ पढ़ा है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो किस तरीके से ये आके ह्यूमन के अंदर इस तरीके से देखो आके घुस जाता है, ये देखो, और अपना क्या है, मटीरियल अंदर छोड़ दिया है ना, देखो हो गया काम, और ये अपने आप को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहां पे बात कर रहे हैं, आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्नलिखित से होता है, कि भाई बात जब आती है कि HIV के लोगों को जागरूकता नहीं है कि HIV का संक्रमण होता कैसे है, एक्चुअली में कैसे होता है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स लिखी हुई है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, इधर उधर सर नहीं घुमाना है, समझो इसको, ठीक? HIV क्या है कि संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क में आने से, ठीक है? जो संक्रमित व्यक्ति है, किसी को ऑलरेडी क्या है HIV से, वो क्या है, ग्रसित है, तो भाई अगर वो किसी के साथ क्या करता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाता है, ठीक है, इंटरकोर्स का प्रोसेस करता है, तो एक नॉर्मल जो नॉर्मल पर्सन है उसके पूरे पूरे 99% चांस है कि उसको HIV हो जाए, यानी एड्स हो जाए, ठीक है? संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आदान से, मतलब कभी कभी अनफॉर्चुनेटली ऐसी बातें हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो गया है या कुछ हो गया है, कि भाई किसी को खून चढ़ाने की कंडीशन आ जाती है, तो ये वो कंडीशन है जहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई हमको ऐसा ब्लड चाहिए जिसमें क्या हो, HIV का वायरस वहां पे मौजूद ना हो, ठीक है? संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, जैसे कि अंतराशिरा यानी इंट्रावेनस द्वारा क्या होता है, द्वारा जो है कुप्रयोग करने वालों के मामले में, ड्रग, ठीक है? अब बहुत सारी जगह आपने मूवीज में, सीरीज में, और हो सकता है कहीं लोगों को भी देखा हो कि लोग ड्रग्स लेते हैं, ठीक है? तो भाई तब भी क्या होता है कि ड्रग्स भी लेते हैं तो किससे, भाई सीरीन से ले रहे हैं, सुई से ले रहे हैं, आपस में क्या होता है, एक्सचेंज कर लेते हैं, उससे भी होता है, या फिर क्या होता है कि भाई हॉस्पिटल्स में होता है, हॉस्पिटल्स में जाइए क्या होता है कि जो IV होती है, यानी कि ये जो इंट्रावेनस है इसको हम IV भी बोलते हैं, इसको इंट्रावेनस को, तो किसी का हाथ है यहाँ पे लगी है, भैया नर्स आई, नर्स ने बोला कि यार क्यों ना इसी की निकाल के उसको लगा देती हूँ, एक बच जाएगी, ठीक है, तो हो सकता है इसका पैसा मुझे मिल जाए, होता है, बहुत बार होता है, लोग कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई पैसा बचाने के चक्कर में, तो वो क्या करेगी, वो उसके लगा देगी, तो उससे क्या हुआ, अगर सपोज करो कि वो जो पर्सन जिसको HIV था ऑलरेडी, नर्स को नहीं पता था ये HIV पॉजिटिव है, ठीक है, वो दूसरे को लगा देगी, तो उससे क्या होगा, उसको भी हो जाएगा HIV, है ना? फिर जो संक्रमित माँ है उसके अपरा द्वारा उसके बच्चे को, अब कोई औरत प्रेग्नेंट है, ठीक है, अपरा क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से क्या होता है, बच्चे को खाना पीना पोषण और सब कुछ जो होता है वो उसी से मिलता है, अब सोचो ये सारी अच्छी चीजों के साथ, प्लेसेंटा से मिल रही है सारी चीजें, उसके साथ साथ ये बुरी चीज भी बेचारे बच्चे को मिल जाएगी, इसीलिए क्या होता है जब कोई प्रेग्नेंट होती है औरत, तो सबसे पहले उसका HIV टेस्ट करवाया जाता है कि भाई इस औरत को HIV तो नहीं है, है ना, इस औरत को HIV तो नहीं, कि ऐसा ना हो कि इससे जो है इसके बच्चे को भी हो जाए। चलो इसीलिए जिन व्यक्तियों में यह संक्रमण होने का बहुत ज्यादा खतरा है वो हैं, अब देखो यहां पे वो कैटेगरीज दी हुई हैं कि भाई कैसे, ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं उनके सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि हाँ हो सकता है कि उनको एड्स हो जाए। मादक द्रव्य व्यसनी जो अंतःशिर द्वारा ड्रग लेते हैं, मतलब मैंने भी क्या बताया, सीरीन से मतलब सुई से क्या करते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं जो लोग, ठीक है, तो उनको भी क्या होता है कि इस तरीके से एड्स होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्त आदान की जरूरत होती है, कि मैंने भी बोला कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है कि उसको ब्लड देना पड़े किसी को, है ना,
संक्रमित माँ से जन्मे बच्चे को, अगर किसी माँ को है तो हो सकता है उसके बच्चे को हो जाए। HIV एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। अब देखो, यहां पर भी बहुत से लोगों में क्या है, गलतफहमी है कि एड्स छुआछूत वाली बीमारी है। तो यहां पर मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि एड्स कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। किसी के साथ बैठने से, उसके साथ खाना खाने से, उसके कपड़े पहनने से, उसको छूने से, ठीक है, इन सब चीजों से एड्स नहीं होता। एड्स किन चीजों से होता है, जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। यह केवल शरीर द्रवित द्रव्यों से फैलता है, मतलब जो लिक्विड होते हैं, जो शरीर में जाता है उससे फैलता है, बाकी किसी चीज से एड्स नहीं फैलता है। बिल्कुल 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 क्लियर करके अपने माइंड में बैठा लो, लोगों को भी समझाओ, खुद भी समझो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए ये भी जरूरी है कि शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वस्थता के लिए यह आवश्यक है कि HIV एड्स प्रभावित व्यक्ति को परिवार से या समाज से अलग ना किया जाए। क्या करते हैं लोग कि किसी को क्या हो गया, एड्स से पता चला, तो लोग क्या करते हैं, अरे इसको एड्स से निकालो निकालो निकालो, तो समाज से निकाल दो, घर से निकाल दो, ये क्या है, ये से छुआछूत की। अरे भाई एड्स है, छूने कोई छुआछूत वाली बीमारी नहीं है कि तुम उसको घर से निकाल दो। भाई जब तुम उसका जो माइंड है उसी को डिस्टर्ब कर दोगे तो बेचारा वो जितना जीना चाह रहा होगा ना, वो भी नहीं जिएगा, वो सोचेगा भाई सच्चे में मर जाऊं, ठीक है। तो इन चीजों को खास कर ध्यान में रखना है कि ऐसे लोगों को अलग नहीं करता है करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसकी गलती से उसको एड्स हुआ, हो सकता है कि ना चाहते हुए, भाई क्या बोला, किसी सुई से, ब्लड से, या कैसे हो गया। तो अब देखो, पता लगाइए ऐसी परिस्थितियों की सूची बनाइए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है, ये अवधि कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकती है। अब देखो यहाँ पे समझो कि भाई किसी को संक्रमण हुआ, और एड्स का पता लगेगा कब, कुछ महीनों से लेकर कई साल बाद पता चल सकता है, कि हो सकता है कुछ महीने में पता चल जाए, हो सकता है कई सालों बाद पता चले। ऐसा नहीं कि किसी को आज संक्रमण हुआ तो कल पता चल जाएगा, नहीं भाई नहीं, कई महीनों बाद, कई सालों बाद पता चलता है कि अच्छा एड्स से संक्रमित हो चुका है ये व्यक्ति। चलो अब जो संक्रमण की इतनी बात कर रहे हैं तो चलो जान ही लेते हैं भाई संक्रमण क्या है, ठीक है। संक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे बॉडी में होता है, कहाँ हो रहा है, हमारे शरीर में हो रहा है, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है, हमारे शरीर में हो रहा है। अब यहां पर क्या है, यहां पर ऐसी सेल या ऐसी कोशिका, ऐसी सेल को इफेक्ट करता है, ये इसी सेल को इफेक्ट करता है जिनके पास स्पेशल रिसेप्टर होते हैं, स्पेशल रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। जैसे कि सी डी फोर रिसेप्टर, ठीक है। अब कैसे भाई, ये भी जान लो कि भाई जैसे सेल है, सेल जैसे WBC, सेल जैसे WBC, इसमें क्या है, मैक्रोफेज, ठीक है, मैक्रोफेज, और क्या है, मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक, डेंड्रिटिक सेल। तो ये क्या है, इनके पास CD4 रिसेप्टर है, तो ये क्या करेगा, सीधे ऐसे स्पेशल सेल जो है इनके ऊपर अटैक करेगा। बहुत चालू चीज है ये, मैंने क्या बोला कि भाई ये जो सहायक कोशिका होती है ना, सारे सीधे सीधे उसी को जाकर पकड़ लेता है कि ना रहेगा बस, ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब समझाती हूँ सेल बना के, कि ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। अब क्या है, सेल के ऊपर रिसेप्टर है ना, ये रहे, ये लो जी, ये क्या है, रिसेप्टर है सेल के ऊपर, ठीक है, मान लिया। अब क्या है, HIV का वायरस आ गया, ये लो, ये क्या है, HIV का वायरस है, ये क्या है, रिसेप्टर है, ये लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये क्या है, रिसेप्टर, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये HIV का वायरस आया, जब HIV का वायरस आ गया तो कहाँ चिपकेगा, ये लो, ये यहाँ चिपकेगा जाके सीधे, ठीक है, ऐसे करके, एक यहाँ चिपक गया,
यहाँ चिपक गया, यहाँ चिपक गया, ठीक है, ये HIV, 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 ठीक है। तो ये क्या है, ये HIV का वायरस, वायरस यहाँ जाके चिपक गया। चलो ठीक है, चिपक गया, ठीक है, चलो कौन सा कलर उठाएं, ये उठाते हैं। अब जब ये चिपक गया है तो ये यहाँ क्या काम करेगा, ये यहाँ पर अपना RNA छोड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ पर अपना RNA छोड़ देगा, ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया, अपना RNA छोड़ दिया। अब जब इसने RNA छोड़ दिया तो RNA क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मालूम है हमको, है ना, RNA क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है ये। अब RNA के साथ साथ जब RNA आया है तो इसके साथ साथ यहाँ पे रेट्रोवायरस भी होगा, रेट्रो वायरस भी होगा, है ना, रेट्रो वायरस एंजाइम, ठीक है, ये भी होगा। अब यहाँ पे ये RNA क्या करेगा, यहाँ पर ये RNA क्या करेगा भाई, ये HIV देखो यहाँ आएगा और रिसेप्टर से जुड़ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या करेगा, ये एंट्री मार लेगा, इस चीज को समझो, इसने एंट्री मारी यहाँ पर, ठीक है। अब इसने यहाँ एंट्री मारी, ठीक है, यानी कि किसमें, मैक्रोफेज की हम बात करें, मैक्रोफेज की हम बात करें, क्योंकि हमने बोला WBC मैक्रोफेज है और डेंड्रिटिक सेल है, तो हम ये मैक्रोफेज मान लें कि ये मैक्रोफेज है। इसने यहाँ क्या किया, एंट्री मारी इसने मैक्रोफेज में। अब जैसे ही ये यहाँ पर क्या करेगा, चिपक जाएगा, जैसे ही यहाँ आएगा यहाँ पर क्या करेगा, ये चिपक जाएगा और फिर अंदर आएगा। अब हम जानते हैं कि भाई HIV के पास क्या है, HIV के पास जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है, यानी कि अनुवंशिक पदार्थ है, कौन सा, RNA है। अब ये RNA कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है, RNA क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है, यानी कि कैप्सिड फॉर्म में, ठीक है, ये कैप्सिड फॉर्म में है। अब इसके साथ साथ प्लस रेट्रोवायरस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि रेट्रोवायरस एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है, रेट्रोवायरस यहाँ आ गया, जो बाद में क्या होगा, ये बाद में जो बाद में क्या होगा यहाँ पे, कि जो RNA है, मतलब RNA को क्या है, DNA में चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पर ये जो RNA है इसको किस में चेंज करना है, DNA में चेंज करना है, ठीक है, DNA में चेंज करते हैं। तो भाई क्या बोला हमने, कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA बनेगा यहाँ पर, यहाँ पे भी क्या बनेगा, सिंगल स्टैंडर्ड DNA बनेगा, ठीक है, क्लियर इतना यहाँ पे, चलो ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA बन गया है यहाँ पर अब, ठीक है। अब क्या होगा भाई, ये जो DNA हमारे DNA के साथ जुड़कर कॉपी बनाएगा, कौन सा कलर उठाएं यहाँ पर अब, चलो 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 व्हाइट उठाएं क्या, चलो वाइड उठाते हैं, कि भाई ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से क्या करेगा, ये यहाँ DNA की कॉपी बनाएगा, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी बनाएगा। उसके बाद ये जो DNA है हमारे DNA के साथ जुड़ के क्या करेगा, फटाफट कॉपी बनाने का काम करेगा, क्या करेगा, ये ह्यूमन DNA के साथ जुड़ जाएगा, ह्यूमन DNA के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और क्या करेगा भाई, कॉपी बनाएगा, यानी कि बहुसंख्या में आ जाएगा, ये किसमें, बहुसंख्या में आ जाएगा कॉपी बनाने के बाद, ठीक है, कॉपी बनाएगा, ये कॉपी करेगा तो, ठीक है। अब हमारा DNA कॉपी बनाता है, हम जानते हैं कि क्या करता है, प्रतिलिपि करता है, कॉपी बनाता है, पर अब वो क्या कर रहा है, पश्च विषाणु की कॉपी बना रहा है, ठीक है, हमारा DNA कॉपी करता है हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पश्च विषाणु यानी रेट्रोवायरस आ गया है, अब वो किसकी कॉपी कर रहा है, रेट्रोवायरस की कॉपी कर रहा है, क्योंकि रेट्रोवायरस ने क्या किया भाई, ये RNA से DNA बन गया है ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, है ना, तो भैया वो उसकी कॉपी बना रहा है अब, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसकी कॉपी बना रहा है। अब ये कहाँ जाएंगे, सवाल आता है, अब ये कहाँ जाएंगे, है ना, ये सवाल आता है, चलो कॉपी तो हो गई है, कहाँ जाएंगे, तो ये कहाँ जाएंगे, टी सेल्स में जाएंगे, ये ठीक है, टी सेल्स में जाएंगे और इस तरीके से संक्रमण को फैला देंगे, ठीक है, क्योंकि ये टी सेल्स के ऊपर काबू पा लेंगे, इसलिए, ठीक है, यहां तक क्लियर सबको, मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना चाहिए, सब बहुत अच्छे से समझाया है, देखो इस तरीके से बुक में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है, एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या बोल रही है लाइन्स हमसे, ये कह रही है भाई, व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु वृहत वृक्षाणु यानी मैक्रोफेज में प्रवेश करता है, जो मैंने आपको बताया, जहां उसका RNA जीनोम जो होता है विलोम ट्रांसक्रिप्टेज प्रकीर्ण रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से प्रतिकृतियन यानी कि रेप्लिकेशन द्वारा विषाणवीय DNA बनाता है, ठीक है, यही बताया था, ठीक, यह विषाणवीय DNA परपोषी की कोशिका के DNA में संविष्ट होकर क्या करता है, संक्रमित
कोशिकाओं की विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है। ये कहता है कि भैया आप जितने ज्यादा संक्रमण कर सकते हो करो, ठीक है। फिर ये जो वृहत भक्षकाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं और इस तरह एक एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, और इस तरह क्या करते हैं, ये एक एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलो। फिर इसके साथ ही एचआईवी सहायक टी लसिकाणु, टीएच यानी कि टी लसिकाणु एक प्रकार का क्या है, अपसमुच्छय है, जिसके बारे में आप पहले प्रतिरक्षा तंत्र में पढ़ चुके हैं। ये मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर, अब पहले ही पढ़ चुके आप इसके बारे में। उसमें क्या करता है, ये घुस जाता है, प्रतिकृति बनाता है और संतति विषाणु को पैदा कर देता है, ठीक है। रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरे सहायक टी लसिकाणुओं पर हमला कर देते हैं। वो कहते हैं भैया मौका है, खा लो जितना खा सकते हो। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लसिकाणु की संख्या में कमी हो जाती है। तो भाई जब ये विषाणु वहां बढ़ जाएंगे, संतति बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टी लसिकाणु है वहां पर कमी आ जाएगी, ठीक है। और हम जानते हैं टी लसिकाणु ऐसा है कि जिसमें सहायक कोशिका है, मारक कोशिका है और स्मृति कोशिका है ना। अब इस अवधि के दौरान बार बार बुखार और दस्त आते हैं तथा वजन कम होने लग जाता है। सबसे पहले इंसान को यहीं से पता चलता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई लूज मोशन हो रहे हैं, वजन कम हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो इसका मतलब कि एचआईवी हो गया है। नहीं भाई, मैंने क्या बोला, ये सब कॉमन सिम्टम है, कोई स्पेशल सिम्टम नहीं आता है एचआईवी में, ठीक है। तो इसलिए डरना मत कोई भी, कि बहुत से बच्चे तो सुन के डर जाते हैं, अरे हमें तो बुखार आ रहा है, अरे हमें तो लूज मोशन हो गए, अरे भाई वजन कम हो गया। नहीं भाई नहीं, ठीक है चलो। सहायक टी लसिकाणुओं की संख्या में कमी आने के कारण व्यक्ति क्या करता है, विशेष रूप से माइकोबैक्टीरियम विषाणुओं, कवकों, यहाँ तक कि क्या ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म जैसे टोक्सोप्लाज्म, अच्छा टोक्सोप्लाज्म जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है, ठीक है। रोगी में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है कि वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। मतलब वो इतना कमजोर हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी इतनी खराब हो जाती है, कहता है इम्यूनिटी जवाब दे देती है उसकी कि भैया अब नहीं हो सकता, अब तो जो हो गया वो हो गया, ठीक है चलो। अब अगर निदान की बात करते हैं, निदान की अगर हम बात करते हैं, तो एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी अमापन एलिसा, ठीक है, क्या है, रोधी एलिसा है, एलिसा यानी कि एंजाइम लिंक्ड, एलिसा का मतलब क्या हुआ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट ऐसे, ठीक है, ये एलिसा की फुल फॉर्म है, ठीक है। अब प्रतिपश्च विषणवीय यानी कि एंटी रेट्रोवायरल औषधियों से एड्स का उपचार आंशिक रूप से भी प्रभावी है। ये औषधियां रोगी की अवश्य भी मृत्यु को आगे सरका सकती हैं, रोक नहीं सकती हैं। अब यहाँ पे भाई जब जिसको पता चल जाता है एड्स है, वो बेचारा व्यक्ति आधा तो ऐसे ही मर जाता है कि हाय राम एड्स हो गया है ना। लेकिन ये जो दवाइयां हैं, औषधियां, ये सिर्फ उसकी लाइफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकती है, लेकिन उसकी जो होने वाली मृत्यु है ना, उसको रोक नहीं सकती है, ठीक है। तो इसीलिए भाई कि बच के रहो तो ज्यादा अच्छा है। द क्योर्ड फॉर एड्स, आज तक सभी ढूंढ रहे हैं इसका एड्स के लिए इलाज। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि एड्स ला इलाज है, ध्यान रखो भाई अपना। चलो अब एड्स की रोकथाम की बात करते हैं। एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए भाई इसकी रोकथाम ही सबसे ज्यादा उत्तम उपाय है, जरूरी है इसकी रोकथाम, ठीक है। अब इसके अलावा एचआईवी संक्रमण जो है वो सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है, ना कि निमोनिया या टाइफाइड की तरह अनजाने में। ये जो है सचेत रहने वाले व्यक्तियों में ही फैलेगा भाई। अगर किसी को मालूम है कि उसको एड्स है, तो बेटर है कि वो किसी दूसरे के साथ कांटेक्ट में ना आए। कांटेक्ट में ना आना मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट में ना आए, अपना ब्लड किसी और को ना दे, अपने यूज करी हुई सीरिंज किसी और को ना दे, ऐसे। ये ठीक है रक्त आदान रोगियों में, नवजातों में, मां से आदि में ये संक्रमण सही निगरानी ना होने के कारण हो सकता है। ये इग्नोर करते हैं चीजें तब होता है। एकमात्र बहाना अनभिज्ञता हो सकता है, लेकिन कहावत सही है कि अज्ञानता के कारण
मत मरो। लोग कह सकते हैं भाई हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो कोई खबर ही नहीं है। अरे भाई जब जानोगे चीजों के बारे में तभी तो खबर लगेगी है। ऐसा तो नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं है चीजों के बारे में, सबको मालूम है, सबको हर चीज मालूम होती है, उसके बाद भी चीजें इग्नोर की जाती हैं तभी हादसे होते हैं। तो भाई इसीलिए अज्ञानता को छोड़ो और ज्ञान की तरफ अपने कदम उठाओ। चलो एड्स की रोकथाम में आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी कि नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और अन्य गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत काम करती हैं भाई, लोगों को सक्रिय बनाती हैं कि भाई चीजों से दूर रहो। एचआईवी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। रक्त बैंकों को रक्त बैंकों के रक्त को एचआईवी से मुक्त करना, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों और क्लिनिक में केवल प्रयोज्य यानी कि डिस्पोजेबल सुइयां और सिरिंज ही काम में लाई जाए, इसकी व्यवस्था करना। देखा होगा जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उसमें क्या होते हैं कि जो सिरिंज होती है वो यूज करने के बाद क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। किस लिए तोड़ देते हैं? इसीलिए ताकि ये किसी और को ना लगे। और अगर आपके सामने डॉक्टर ने या किसी नर्स ने ऐसा नहीं किया है तो बोलो भाई ये सुई मेरे सामने तोड़ो, पहले से सुई खुली रखी है यूज मत करो, नहीं मेरे सामने दूसरा पैकेट खोलो उस सुई को यूज करो। कॉन्डोम का मुफ्त वितरण, क्या होता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं भाई हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कॉन्डम्स खरीदें, तो भाई प्रिकॉशन इज मोर बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन लो भैया किसी भी बीमारी से बचने के लिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए या फिर जो संस्थाएं होती हैं वो फ्री में कॉन्डम्स क्या करती हैं, बंटवाती हैं लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। ड्रग के कुप्रयोग को नियंत्रण करना, सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना और सुग्राही समिष्ट में एचआईवी के लिए जांच को बढ़ावा देना, इन कार्यक्रमों में कुछ में से एक है, ठीक है। चलो अब ये और कुछ चीजें हैं कि भैया एचआईवी से संक्रमण या एड्स से ग्रस्त होना कोई ऐसी बात नहीं है जो जिसे छुपाया जा सके, क्योंकि छुपाने से ये संक्रमण और भी ज्यादा फैलता है। बेटर है कि अगर पता चल गया है तो डॉक्टर से मिलो, दवाइयां लो, जितना हो सकता है सेफ रहो, दूसरों से बचो। फिर समाज में एचआईवी या एड्स संक्रमित लोगों की सहायता और सहानुभूति की ऐसे लोगों को जरूरत होती है, उन्हें हे दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। लोग कहते हैं उसको एचआईवी है और इसको निकालो यहाँ से, निकालो ये दूसरों में फैलाएगा, तो ऐसे लोग क्या है, बेवकूफ है, उन्हें ज्ञान नहीं है, ठीक है, कि भाई एचआईवी छूने से नहीं फैलता है। जब तक समाज इसे एक ऐसी समस्या के रूप में अनचाहे देखेगा जिसका समाधान सामूहिक तौर पर किया जाना चाहिए, तब तक रोग के फैलने की गुंजाइश कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। ये एक ऐसी व्याधि है जिसके फैलाव को समाज और चिकित्सक वर्ग से सम्मिलित प्रयास से ही रोका जा सकता है। समाज और डॉक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे तभी इसको रोका जा सकता है, ठीक है। चलो फिर 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे जो एचआईवी वायरस है, जो ये एचआईवी है, ये किस पे हमला करता है, किस पे हमला करेगा ये, अरे मैं क्वेश्चन मार्क बना रही थी, किस पे हमला करेगा ये करेगा टी सहायक कोशिका पे, ठीक है, टी सहायक कोशिका पे ये क्या करेगा, हमला करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जाके इसको पकड़ लेगा और बोलेगा आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या करता है भैया, इसको पकड़ लेता है। अब जब सहायक कोशिका यानी कि जो हेल्पर सेल है वही काम नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, वो मारक कोशिका जो है यानी जो टॉक्सिक सेल है, ठीक है, वो जो है क्या है, एक्टिव नहीं हो पाएगी। जब वो एक्टिव नहीं हो पाएगी तो क्या होगा भाई, जो वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे कुछ भी आएगा उसको नहीं मार पाएगी, ठीक है, और ना ही जो स्मृति यानी कि जो मेमोरी सेल है वो भी काम नहीं कर पाएगी। तो हमने यहाँ पर ये बात करी थी। अब आज हम बात कर रहे हैं परिचय के बारे में, ठीक है, किसका परिचय हम लेंगे, अब हम लेंगे परिचय, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले परिचय के बारे में, ठीक है, कैंसर के परिचय के बारे में। लो भाई परिचय आ गया,
ठीक है, अगर मैं परिचय बोलूं तो भाई बात आती है कि ये कैंसर जो है कैसे सक्रिय होता है, ठीक है, ये कैसे सक्रिय होता है, ठीक है, कैसे सक्रिय होता है ये बात करेंगे। फिर बात आ जाएगी भाई जो कैंसर सेल है और नॉर्मल सेल है, जो कैंसर कैंसल वाह जो कैंसर सेल है और जो नॉर्मल सेल है, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। फिर हम क्या देखते हैं कि भाई कैंसर के प्रकार, ठीक है, कैंसर के प्रकार देखेंगे, ठीक है, कारण की बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, लक्षण हो गए, ठीक, फिर परिलक्षण है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद रोकथाम है, रोकथाम, फिर उपचार है, तो एक्सेट्रा 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 यहाँ पर ये इंक्लूड होता जाएगा। तो बेसिकली हमें परिचय में ये सब चीज़ें आज देखनी है, इनको कवर करना है। बहुत ईजी सा है, बहुत सिंपल सा है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, लेकिन पढ़ने के साथ साथ यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और बोलना है कि हाँ ये चीज़ों को हम फॉलो करेंगे, ठीक है, और इन चीज़ों से दूर रहेंगे। और क्या कह सकते हैं कि भाई लोगों को जागरूक करना है, लेकिन दूसरों को जागरूक करने से पहले खुद को जागरूक होना है। जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो वहाँ पे जो एयर होस्टेज होती है या केबिन क्रू बोलो, वो क्या बोलते हैं कि दूसरों की रक्षा करने से पहले अपनी रक्षा खुद करें, ठीक है, तो दूसरों को जागरूक बनाने से पहले खुद जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इसीलिए भाई यहाँ पर इस लेक्चर को समझने के लिए आपको जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप तो उसको समझें और अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी समझा पाएं, ठीक है। चलो फिर शुरू कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, चलो एक पेज जोड़ लेते हैं। पेज जोड़ लेते हैं एक, ठीक है, और बात करते हैं भाई सामान्य कोशिका के बारे में, ठीक है, और कैंसर कोशिका, ठीक है, यानी कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बारे में, सामान्य कोशिका यानी कि नॉर्मल सेल, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है कैंसर कोशिका यानी कि कैंसर सेल, ठीक है, यहाँ पर ये बात करेंगे हम। चलो दोनों चीजें लिख ली है हमने, देखते हैं अब अगर सामान्य कोशिका की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कोशिका विभाजन है यानी कि जो सेल डिवीजन है, कोशिका जो है क्या विभाजित हो रही है, वो क्या है, नियंत्रण में रहती है यानी कंट्रोल में रहती है। यहाँ पर जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये नियंत्रित है, ये क्या है, नियंत्रित है ये, ठीक है, कंट्रोल्ड पोजीशन में है कि भाई ठीक है यहाँ पर इनको ज्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से इन्हें पता है कि हमको कितना बढ़ना है और कितना नहीं बढ़ना है। लेकिन जब हम कैंसर कोशिका की बात करते हैं यानी कैंसर सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन है यहाँ पर वो क्या है, अनियंत्रित, ठीक है, ये क्या है, अनियंत्रित है यानी कि अनकंट्रोल है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा, ये जो सेल है ना वो डिवाइड होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है अपने आप को कि मैं कैसे रुकूं। जैसे कि क्या होता है जब गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, है ना, ब्रेक फेल हो गए गाड़ी के तो क्या होता है कि भाई गाड़ी चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, या तो जब तक उसका पेट्रोल खत्म ना हो जाए या जब तक वो कहीं टकरा ना जाए। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो कोशिका विभाजन यहाँ पे शुरू होने का नाम लेता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, जब तक कि भाई वो एक सर्टेन लिमिट तक ना पहुंच जाए कि हाँ अब डेथ वाली स्टेज आ गई है। चलो ये समझा, अब यहाँ पे ऐसे समझो, देखो ये क्या है, ये सपोज करो कोई ऑर्गन है, ठीक है, ये कोई अंग है, ठीक है, अंग है ये, है ना, इस अंग के अंदर क्या है, कोशिकाएं हैं, ये क्या है, लो ये कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये जो कोशिकाएं हैं इनको मालूम है कि हमें कितना बढ़ना है,
इनको मालूम है कि कितना बढ़ना है, यहाँ पर जो ऑर्गन का साइज है वो बढ़ेगा नहीं, ठीक। अगर इसमें इसको इतना ही बढ़ना है सेल को, तो यहाँ पर साइज जो है वो नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इतना ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये साइज इतना ही रहेगा जितना इनको होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर जो कोशिका विभाजन है, ठीक है, कोशिका विभाजन है, उससे क्या होगा, जो अंग है, जो ऑर्गन है, उसकी वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। कोशिका विभाजन से इस अंग की वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नियमित रूप से विभाजन होगा, ये क्या है, नियमित रूप से यहाँ पर विभाजन होगा, ठीक है। और क्या होगा, नियमित रूप से फिर एक टाइम पे सेल डिवीजन क्या है, यहाँ आपके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जो सेल डिवीजन है यानी कि कोशिका विभाजन, क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, या फिर बोलो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जब इसको पता है कि मुझे कितना बढ़ना है, कितना आगे जाना है, उसको पता है, ठीक है। तो जब भाई यहाँ पर क्या है, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, इसको पता है कि हाँ मुझे इतना ही बढ़ना है, इससे आगे नहीं जाना है, तो यहाँ पर सेल डिवीजन अपने आप रुक जाएगा, किसी की जरूरत ही नहीं है इसको रोकने के लिए। फिर लेकिन अगर कैंसर कोशिका की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये लो, ये क्या है, अंग है। अब अंग के ऊपर क्या है, देखो यहाँ पे सेल का गुच्छा है, ये क्या है, कैसे बताऊं, ये क्या है, चलो ये सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये क्या है, हमारी सेल है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये अंग के ऊपर सेल का गुच्छा है, ठीक है, ये लो, ये सेल का गुच्छा आ गया है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ये जो कोशिका विभाजन हो रहा है अनलिमिटेड है, ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को डिवाइड करता जा रहा है, डिवाइड करता जा रहा है, ये लो। अब सपोज करो कि यहां पर एक तरीके की सेल है और यहां पर दूसरे तरीके की सेल आती है, लो यहां से दूसरे तरीके की सेल शुरू हो जाती है, सपोज करके देखो क्या, क्योंकि इन सेल को क्या है, इन सेल को इतना ही बढ़ना था, इस सेल को इतना बढ़ना था, इस सेल को इतना बढ़ना था, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे कुछ गड़बड़ी हो जाती है सेल डिवीजन में, यानी कि कोशिका विभाजन में, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है। अब ये वाली जो सेल है क्या काम कर रही है, ये बढ़ती जा रही है, ये देखो ये बढ़ती जा रही है, 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 बढ़ती, और जो यहाँ पर पहुंच के इसके ऊपर भी जमा हो जा रही है, ठीक है, इसके ऊपर जमा हो जा रही है, और क्या कर रही है, गुच्छा बना ले रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बना रही है, गुच्छा बना रही है, ठीक है, किसका, सेल का गुच्छा, कोशिका का गुच्छा बना रही है। अब यहां पर ये जो गुच्छा बनेगा, ये क्या कहलाएगा, ट्यूमर कहलाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अबुर्द बोलते हैं, ठीक है, क्या कहलाएगा, ये ट्यूमर कहलाएगा, जिसको हमने क्या बोला, अबुर्द बोला। ये जो सेल का गुच्छा यहां पे बनेगा, ये क्या करेगी, दूसरे ऑर्गन के ऊपर जाके भी सेल का गुच्छा बना लेगी, अपने में तो है ही, अपने से बाहर निकल गई, अपने एरिया से, और दूसरे का एरिया भी इसने हड़प लिया, ठीक है। और वहां जाके इसने क्या कर लिया, एक नया नाम अपने आप को दे दिया कि भैया ये ट्यूमर, अबुर्द, यानी कि अब ये इलाका भी मेरा हो गया है, वो ऐसे बोलेगी। अब क्या होगा, जब यहाँ से रक्त परिवहन होके जाएगा, यहाँ से ये अगर रक्त वाहिनियां हैं, ठीक है, रक्त परिवहन होके एक जगह से दूसरी जगह में जा रहा है, तो ये क्या काम करेगी, ये रक्त परिवहन के माध्यम से, ठीक है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाएगी, ठीक है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाएगी ये। फिर क्या होगा, फिर भाई यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन बोलेंगे, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, संस्पर्श, संदमक, ठीक है, ये वहां पर होता है कि भैया एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, और जो ये एक जगह से दूसरी जगह पे जो जा रहा है, ठीक है, क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, ठीक है, किसकी, एक जगह से ये सेल जो है इस ब्लड के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रोसेस होता है संस्पर्श संदमक, ठीक है, जिसकी यहाँ पर क्या होती है, जिसका
यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है जो यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पर समझने के लिए बस इतना ही था कि भाई कैंसर कोशिका में क्या होता है और सामान्य कोशिका में क्या सीन चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे समझो, मानव के भयंकर रोगों में से एक है कैंसर, ठीक है। एड्स भी है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये है कैंसर। और विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण भी कैंसर है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भैया कैंसर से पीड़ित हैं, कुछ को मालूम नहीं है, ठीक है, कुछ लापरवाह हैं, ठीक है, जिनको मालूम है कि ऐसी स्टेज में पता चला है कि भाई वहां कुछ हो नहीं सकता है, और जिनको अच्छी मतलब शुरू की स्टेज में पता चल जाता है वो वहां पे उसको क्योर भी करवा लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, 10 लाख हर साल। इससे बड़ी संख्या में मर जाते हैं, मतलब 10 लाख लोग अगर पीड़ित हो रहे हैं तो इससे बड़ी संख्या में लोग मर भी रहे हैं। कैंसर होने की क्रियाविधि अथवा कोशिकाओं का कैंसरजनी रूपांतरण यानी कि कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसका उपचार और नियंत्रण जैविकी और आयु विज्ञान में गहन अनुसंधान का विषय आज भी है। आज भी जो है बड़े बड़े क्या है इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है, लैब्स में इसके लिए बहुत कोशिश की जा रही है कि भाई जो कैंसर सेल है इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करो कि काबू में आ सके, ठीक है, इसको कैसे रोका जाए, कैसे लोगों की जान बचाए, ये आज भी क्या है सोचने का विषय है, प्रयोग करने का विषय है, ठीक है, हमारे वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टर्स के लिए। चलो ओके, अब आता है कैंसर कोशिका के प्रकार, ठीक है। तो कैंसर कोशिका को हमने क्या बोला भाई, अबुर्द भी बोलते हैं। तो अबुर्द जो है, ठीक है, अबुर्द के आधार पर अबुर्द के आधार पर भैया ये दो तरीके की है, ठीक है, ये क्या है दो तरीके की है। पहला क्या हो गया हमारा सुरदम, सुरदम अबुर्द, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला बिनाइन बोला, ठीक है, जिसको हमने बिनाइन बोला। दूसरा क्या है दुर्दम, दुर्दम अबुर्द, जिसको हमने क्या बोला मैलिग्नेंट, ठीक है, जिसको हमने बोला मैलिग्नेंट, ठीक। चलो अब अगर सुरदम की बात करते हैं हम, तो ये हानिकारक नहीं होता है, हानिकारक नहीं होता है, ठीक है, ये हमारे शरीर में मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन ये किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक। दुर्दम की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, ये अनियंत्रित होता है, अनियंत्रित विभाजन होता है यहां पर, ठीक है, और क्या करता है रक्त में गति करता है और हानि पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, ठीक है। चलो ये क्या करता है, यहां पर जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं यहां पर वो स्थानांतरित नहीं होती हैं, स्थानांतरित नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पर ये क्या करती हैं, ये रक्त में गति करती हैं, कोशिकाएं रक्त में गति करती हैं, ठीक है, ये रक्त में गति करती हैं। चलो ये क्या है, गति नहीं करती हैं, गति नहीं करती हैं, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर ये चीजें। चलो अब इसके बाद जानने की क्या जरूरत है भाई, इसके बाद जानना ये है कि एक शब्द आता है यहां पर, कौन सा शब्द आता है, मेटास्टेटिक, यहां पर एक मेटास्टेटिक शब्द आता है जिसका मतलब है कि जो कैंसर सेल है, हाँ, जो कैंसर सेल का एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाना, दूसरे ऑर्गन में जाना,
क्या कहलाता है ये? मेटास्टेटिक कहलाता है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, नियोप्लाज्मिक सेल के नाम से। ठीक है, किसके नाम से? नियोप्लाज्मिक सेल के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक, तो यहां पर क्या है, यहां पर इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये दो प्रकार के हैं, सुरदम और दुर्दम। ये क्या है, ये क्या है? बिनाइन है, यानी कि ये नुकसान नहीं देते हैं। वो क्या है? मैलिग्नेंट है, जो नुकसान देते हैं, हानिकारक होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको थोड़ा पढ़ लो कि ये क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है, हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित है। हमारे शरीर को मालूम है कि हमें कितना ज्यादा, मतलब सेल डिवीजन करना है और कहाँ पर उसको रोकना है, कहाँ पे कंट्रोल करना है, कहाँ पे बढ़ाना है। हमारी बॉडी क्या है, ऑटोमेटिक चलती है, उसको हमारे क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसको पता है कि मुझे कब कहाँ कैसे क्या करना है। कैंसर कोशिकाओं में ये नियमित क्रियाविधि टूट जाती है। जहां पर ये कैंसर कोशिका आ जाती है, किसी भी रीजन की वजह से आ जाती है, तो वहां पर ये जो नियमितता है, ठीक है, यहाँ पे जो कंटिन्यूटी है इन सब चीजों की, वो डगमगा जाती है, टूट जाती है। प्रसामान्य कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाती हैं जिसे संस्पर्श संदमन यानी कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। ठीक है, और इसी गुण के कारण दूसरी कोशिका से उनका संस्पर्श उनकी अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में यह गुण खत्म हो गया है। ये जो क्या बोलते हैं, ये जो है संस्पर्श संदमन, मैंने अभी बताया था ना कि इसकी कमी हो जाती है ना, कहाँ बताया था, ये देखो कहाँ गया, या कि इसकी कमी हो जा रही है। ठीक है, कि ये जो है, ये जो नॉर्मल सेल्स में होती है, ठीक है, ये जो है कैंसर सेल्स में नहीं होती है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रखकर कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं, जिसे अबुर्द यानी कि ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, यही बताया मैंने आपको कि जो सेल है वो क्या करेगी, डिवीजन करना भूल जाती है। ठीक है, नहीं, जो सेल है वो क्या करेगी, डिवीजन को कंट्रोल करना भूल जाती है, वो विभाजन करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। ठीक है, चलो अब अबुर्द के प्रकार की बात करते हैं, जो मैं ऑलरेडी, देखो मैंने बताया कि सुदम है यानी कि बिनाइन और दुर्दम है यानी कि मेलिग्नेंट। ठीक है, ये दोनों चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कहाँ बताया है, ये देखो। ठीक है, अब सुदम अबुर्द की अगर हम बात करते हैं, सामान्यतः अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते हैं तथा मामूली क्षति होती है। ठीक है, दुर्दम में क्या होता है, प्रचुरोभित कोशिकाओं का पुंज है जो नवद्रव्य यानी कि नियोप्लाज्मिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये बहुत तेजी से बढ़ती हैं और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला करके उनको क्षति पहुंचा देती हैं। जो मैंने बताया कि भाई जो क्या है, जो सुदम है, ठीक है, वो क्या करती है भाई, नुकसान नहीं पहुंचाती, वो हानिकारक नहीं होती, लेकिन जो दुर्दम होती है वो क्या होती है, वो हानिकारक होती है, वो नुकसान पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है। ठीक है, अबुर्द कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती हैं, जिससे वे अत्यावश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं, उन्हें भूखा मार देती है। मतलब उनके हिस्से का भी क्या है, जो प्रोटीन, जो भी न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो क्या करती है, ये अबुर्द कोशिकाएं खा जाती हैं, तो भूखी रह जाती है, तो वो मर जाती है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे उबर्द से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज स्थानों पर पहुंच जाती हैं और जहां भी ये जाती हैं नए अबुर्द बनाना शुरू कर देती हैं। ओह माय गॉड, कितना सोचो डेंजरस है कि एक जगह से दूसरी जगह ये ब्लड के मीडियम से जा रही हैं और भाई क्या है, जहां भी पहुंच रही हैं वहां पे ट्यूमर बनाना शुरू कर देती हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, कि मतलब सोचने में भी डर लगता है ना, सोचने में भी डर लगता है। इसलिए भाई एक एक चीज का ध्यान रखो कि हमारे शरीर में कहीं से कहीं तक कोई नुकसान ना आ जाए, कहीं भी कोई भी दिक्कत महसूस होती है तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा है, इस चीज का ध्यान हमेशा रखो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका शरीर आपके काम आएगा भाई, कोई काम नहीं आता दूसरा। जब हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना, तो हम एक भार लगने लगते हैं लोगों को कि ये भार है हमारे ऊपर, तो इट्स बेटर कि कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज मच बेटर देन क्योर, कि भाई सावधानी
बहुत ज्यादा अच्छी है किसी भी बीमारी से, है ना। अब मेटास्टेटिस कहलाने वाला यह गुण दुर्दम्भ अभूर्दों का सबसे डरावना रूप है। ठीक है, चलो देख के ही डर लग जा रहा है इनको तो, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब आता है हमारे पास कैंसर के प्रकार, कि भाई कैंसर के प्रकार देखो यहां पर मैं स्टार मार्क कर रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इसको अच्छे तरीके से। चलो तो कैंसर के भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तीन प्रकार हैं, देख लो। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहले पहला आ गया हमारा कार्सिनोमा, ठीक है, कार्सिनोमा आ गया पहला। दूसरा क्या आ गया? सार्कोमा। ओके चलो, तीसरा क्या आ गया? ल्यूकेमिया। तीन तरीके के कैंसर हैं ये, ठीक है। चलो यहां पे होता क्या है, अब यहां जो हम कार्सिनोमा की बात कर रहे हैं, ये ऐसे अंग से होता है जो क्या है, एंडोडर्म से बनते हैं, जो एंडोडर्म से बनते हैं। ठीक है, एंडो मतलब अंदर, याद रखना इस चीज को। अगर सार्कोमा की बात करते हैं तो ये किससे बनते हैं? मीजोडर्म से बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं। ये तीनों लेयर होती है ना, एंडोडर्म, एक्सोडर्म, मीजोडर्म, है ना, परत होती है। और ये किससे बनते हैं भाई? ये ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। और ये WBC का जो अमाउंट होता है यहां पर, वो क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है, ये WBC में होता है। चलो अब अगर मैं बात इसके एग्जाम्पल की करती हूँ कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप में से कितने बच्चे हैं जो मुझे बता सकते हैं कि कार्सिनोमा जो कैंसर है टाइप का, इसका एग्जाम्पल क्या है? बताइए, इतनी देर से मैं ही बोले जा रही हूँ, मैं ही बोले जा रही हूँ। बताइए कि आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो इनका एग्जाम्पल बता सकते हैं कि भाई कार्सिनोमा का भी और सार्कोमा का भी, बताओ। चलो बता देती हूँ फिर भी, हाँ चलो। तो यहाँ पे क्या है भाई, एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएंगे फेफड़े, यानी कि लंग्स, ठीक है। फिर आ गई त्वचा, यानी कि स्किन, ठीक है। फिर आ गया क्या, स्तन, यानी कि ब्रेस्ट, ठीक है। इन सभी तीनों चीजों के क्या है, कैंसर के बारे में आपने सुना होगा कि भाई स्किन में भी होता है, लंग्स में भी होता है और ब्रेस्ट में भी होता है। तीनों के बारे में बहुत आसानी से आपने सुना होगा, ठीक। अगर हम इसकी बात करते हैं, सार्कोमा की बात करते हैं, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये लसीकाणु में, लसीकाणु कैंसर, यानी कि लिम्फोसाइट जो होता है, ठीक है, लिम्फोसाइट जो होता है वहां पे जो कैंसर बनता है। फिर अगर हमने क्या बोला, ये ल्यूकेमिया, ये क्या है? ब्लड कैंसर है, ठीक है। यहाँ पर WBC का अमाउंट क्या है? बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ साथ क्या होता है, जो RBC का अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये तीन तरीके के प्रकार हैं कैंसर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए इसको स्टार मार्क किया है, याद कर लेना बिल्कुल। ओके चलो, ये देखो कि ये कैंसर के प्रकार है। ये क्या है? लंग का कैंसर है, ठीक है, लंग में हो रहा है। ये क्या है? स्किन का कैंसर है, देखो, है ना, ये स्किन में हो रहा है, ठीक। और ये क्या है हमारा? ये ल्यूकेमिया, यानी कि जो क्या है, ब्लड का कैंसर होता है। देखो ये क्या है, ये नॉर्मल ब्लड है, कि भाई RBC भी हेल्दी है, WBC हेल्दी है, सब कुछ मजे से चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, प्लेटलेट्स भी। लेकिन ये क्या है? ल्यूकेमिया ब्लड है, यानी कि जहां पर ब्लड का कैंसर हो रहा है, यहाँ क्या है, जो प्लेटलेट्स है वो कम हो गई है, RBC कम हो गई है, और देखो WBC कितनी ज्यादा बढ़ गई है ना, WBC 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 आपको हर जगह नजर आ रही है, ठीक है। तीनों चीजें क्लियर है ना। चलो अब बात करते हैं भैया कारण की, कि क्या कारण हो सकते हैं, ठीक। तो
तो अगर हम कारण की बात करते हैं तो चलो यहां समझ लेते हैं, पहले हम प्रकार हटा देते हैं यहाँ, है ना, कारण लिख देते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। ठीक, तो इसके कुछ कारण है, चलो देख लेते हैं फटाफट से। तो अगर मैं सबसे पहला कारण आपको बताऊं तो वो क्या है, भौतिक, यानी कि जो फिजिकल है, ठीक है, जो भौतिक कारण है। लो, भौतिक कारण आ गया। ठीक, दूसरा क्या है, रासायनिक, ठीक है, रासायनिक कारण आ गया, यानी कि जो केमिकल की वजह से होता है। फिर क्या आ गया हमारे पास, जैविक आ गया, जैविक कारण, ठीक है। और जैविक के बाद क्या ले लेते हैं हम, जैविक के बाद ले लेते हैं आयनीकरण, ठीक है, जैविक के बाद क्या आ गया, आयनीकरण आ गया है। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके बाद तो और कोई नहीं आना चाहिए, बस यही है ना। ठीक है, इसको यहां से इरेज कर देते हैं। लो, ये आ गया है। ठीक है, चलो अब अगर मैं भौतिक की बात करती हूँ, ठीक है, तो मैं इसको स्टार मार्क कर रही हूँ क्योंकि सबके लिए नोन है, आ जाता है कभी कभी। तो भौतिक किससे होता है भाई, धूम्रपान की अगर हम बात करते हैं, धूम्रपान, ठीक है, जिससे क्या होता है, लंग्स का कैंसर होता है, ठीक है, एक्टिव हो पैसिव हो बहुत खतरनाक है। फिर हम किसकी बात करते हैं, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू की बात करते हैं जिससे क्या होता है, माउथ का कैंसर होता है, ठीक। फिर अल्कोहल भी आ जाता है, यानी कि शराब, ठीक है। तो ये क्या है, ये भौतिक कारण है, ठीक है, किसके, कैंसर के, ठीक। फिर अगर रसायन की बात करते हैं हम, तो रसायन में धुआं आता है, ठीक है, धुआं आता है जो किससे, जो मील्स होती हैं, ठीक है, जो मील्स होती हैं, ठीक है, वहां से, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, चारकोल हो गया हमारे पास, चारकोल हो गया है, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं, धुएं में क्या है, निकोटिन भी ले सकते हो आप, है ना। और भी बहुत प्रकार के धुएं होते हैं भाई, जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं। सबसे ज्यादा क्या होता है, माइंस में होता है, मील्स बोल दो और माइंस भी हो गया, ठीक है, मिल हो गई हैं, माइल। और जो सबसे ज्यादा जो कैंसर रसायन की वजह से होता है, या तो जो ये अपनी माइंस होती है ना, जो कोल माइंस होती है, वहां पर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे क्या, एक तो बहुत नीचे डीप में जाते हैं और बहुत तरह की गैसेस वगैरह भी वहां मिल जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जो तो म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन हमारे जो हो जाता है सेल्स में, वो माइंस में होता है सबसे ज्यादा। फिर अगर मैं जैविक कारण की बात करती हूँ, तो जैविक कारण में आपके क्या आ जाएंगे, जैसे कि वायरस आ गया, ठीक है। ये वायरस क्या होगा भाई, ये वायरस क्या है, ये क्या काम करता है यहाँ पे, कि आपने ऑन्कोजीन का नाम सुना है, ऑन्कोजीन है ना, ऑन्कोजीन जो होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सेल्स में, किसमें, सेल्स में करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं, वहां पे क्या होता है, जो एक कंट्रोल डिवीजन होता है ना, उसको कंट्रोल करते हैं कि कंट्रोल रहनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब वहां पर जो ट्यूमर है, वो क्या है, सप्रेसर हो जाता है ट्यूमर यहाँ पर, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन बोल देते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, TSG, ये क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, और सेल को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, मतलब उसको दबा देता है कि बस अब मैं ऑन हो गया हूं तो तेरा काम खत्म, ठीक है। तो ये वहां पे क्या करेगा, सेल को सप्रेस कर देगा, ठीक है, वहां पे सप्रेस लेने के लिए बोल देता है, ठीक है, और कहता है कि भाई यहाँ पर तुम लिमिटेड रहो। तो इसीलिए ये ऑन्कोजीन जो है बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो अब क्या है, आयनीकरण, अगर मैं आयनीकरण की बात करती हूँ, तो यानी कि रेडिएशन आ जाती है हमारे पास। रेडिएशन में क्या है, हमारे पास एक्सरेज है, ठीक है,
और गामा रेज आ गया है, यूवी रेज आ गया है। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं ना, देखो बेसिकली ऑन्कोजीन्स जो होते हैं इसको ऐसे समझो कि जीन्स होते हैं, कहाँ लिख देती हूँ, चलो यहाँ लिखती हूँ, जीन्स होते हैं, ठीक है। जीन्स कौन से, प्रोटो प्रोटो ऑनको जीन। ये जो प्रोटो ऑनको जीन होते हैं, ये सपोज करो ये जो वायरस आ गया है, ठीक है, मैं इसको ऑनकोजीन समझ के बोल, ऑनकोजीन को इसको मैं सोच रही थी मैंने प्रोटो ऑनकोजीन लिखा है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली ये जो काम बताया ये प्रोटो ऑनकोजीन का बताया, ऑनकोजीन का नहीं बताया। मैं बताती हूँ, मुझे ध्यान आ गया कि यहाँ पे मैंने ऑनकोजीन लिखा है। तो जो जीन होते हैं कौन से, प्रोटो ऑनकोजीन जो होते हैं, अब समझो ये जो प्रोटो ऑनकोजीन होते हैं, यहाँ पर कोई वायरस आ गया है, कोई म्यूटेशन हो गया है, किसी तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चेंज हो गए हैं, ठीक है। ये किसमें चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया है किसमें, ऑन्कोजीन्स में, ऑन्कोजीन्स में। और ये जो ऑन्कोजीन्स होते हैं ये कैंसर बनाते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, कैंसर बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है, यहां पर ये प्रोटो ऑन्कोजीन आएगा, यहां पे प्रोटो ऑन्कोजीन जो होते हैं, ठीक है। चलो ऐसे समझो कि यहाँ पर देखो कि क्या होगा भाई, जो ऑन्कोजीन होते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, सेल में जाके अनकंट्रोल्ड डिवीजन करते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, कहाँ लिखे हैं, अब ऑन्कोजीन जो होते हैं, अगर मैं ऑन्कोजीन की बात कर रही थी, ऑन्कोजीन ये क्या करते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करते हैं, ठीक है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन करते हैं, तब ये टीएसजी का काम करते हैं और उसको ऑन कर देते हैं, ठीक है, टीएसजी को ऑन कर देते हैं। चलो ये समझो कि प्रोटो ऑन्कोजीन बदल जाते हैं ऑन्कोजीन में, तो ये जो ऑन्कोजीन क्या करते हैं, अनकंट्रोल सेल डिवीजन कर देते हैं, उससे क्या होता है, ये टीएसजी ऑन हो जाता है, ठीक है, ऐसे समझो। चलो अब चलो इसे कारण समझते हैं कि इसका कारण क्या हो सकते हैं। तो प्रसामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नवद्रव्यी कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं, भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक हो सकते हैं और जैविक हो सकते हैं, देखो है ना, ठीक है। ये कारक कैंसरजनक कहलाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, ये क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। अब एक्स किरण और गामा किरण, यानी कि क्या है ये अपना, एक्सरेज और गामा रेज की बात यहाँ पे हो रही है, एक्सरेज और गामा रेज, जैसे आयनिकारी विकिरण डीएनए नवद्रव्यी रूपांतरण होते हैं, ये भी क्या करते हैं, जो डीएनए में चेंजिंग ला देते हैं, ठीक है। क्या आयनिकारी के बारे में देखो, यहाँ बताया था ना मैंने, ये रहा आयनीकरण, ठीक है। अब तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसरजन फेफड़े के मुख्य कारण है, ठीक है, कि भाई फेफड़े के कैंसर के मुख्य कारण है, ठीक। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु अबूर्दीय विषाणु कहलाते हैं, ये जो ऑन्कोजीन है ये क्या है, विषाणु है ना, विषाणु की वजह से हो रहा है ना, ये वायरस है ये ऑन्कोजीन, ठीक। इनमें जो जीन होते हैं उन्हें विषाणुवीय अबूर्दजीन कहते हैं। इसके अलावा प्रसामान्य कोशिकाओं में कई जीनों का पता चलता है जिन्हें कुछ विशेष परिहस्थियों में सक्रिय किए जाने पर कोशिकाओं का कैंसरजनी रूपांतरण हो जाता है। जैसे ही आते हैं तो कोशिकाएं क्या होती है भाई, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में क्या होती है, सक्रिय हो जाती हैं, ठीक है, वो जो कोशिकाएं होती हैं वो कैंसरजनी रूपांतरण कर देती हैं। ये जीन कोशिकीय अबूर्दजीन या आदि कहलाते हैं, ठीक है। चलो अब कैंसर के लक्षण की बात करते हैं कि भाई इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, ठीक। तो कैंसर की कोशिकाओं का आकार सामान्य कोशिकाओं से बड़ा होता है, यह हमें मालूम है कि जो नॉर्मल सेल है वो छोटी हुई है, लेकिन जो कैंसर सेल होती है वो बड़ी हो जाती है। कैंसर का कारण अंगों में ट्यूमर बन जाना होता है, ठीक है, परंतु हर ट्यूमर या हर तिल कैंसर नहीं होता है, ये भी याद रखना, ठीक है, कि हर जो तिल है, हर जो मोल है, हर जो मस्सा है वो कैंसर नहीं होता है। ट्यूमर निरंतर रूप से वृद्धि करने लगता है, ठीक है, घावों में लगातार रक्तस्राव होने लग जाता है,
ठीक है, मतलब किसी के चोट लग गई है तो उसका जो ब्लड है निकलता रहता, रुकता नहीं है, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। अब जैसे ये है, ये भी तो एक मोल है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये भी क्या है, कैंसर ही हो, जरूरी नहीं है जो स्किन कैंसर, जरूरी नहीं है कि स्किन कैंसर हो। हाँ देखो, लक्षण क्या है, पाचन शक्ति में कमी होना, लंबे समय तक घावों का ना भरना, आवाज का भारी होना तथा खांसी का लगातार होना, गले में दर्द, ठीक, शरीर के भार में लगातार कमी आना, स्त्रियों में मासिक धर्म में लगातार कमी आना, प्राकृतिक छिद्रों से लगातार रुधिर की हानि होना। ठीक है, ये देखो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, देख के डर लग रहा है ना, है ना, मुझे तो लग रहा है। चलो अब अगर हम परिरक्षण की बात करते हैं कि भाई कैसे पता चलता है, तो परिरक्षण में सबसे पहले आती है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है कि कोई भी आपका जो अंग होता है वहां से क्या है, एक सैंपल ले लेते हैं, ठीक है, किसी भी पार्ट का सैंपल ले लेते हैं और उसको टेस्टिंग के लिए लैब में भेज देते हैं, ठीक है, लैब यानी लेबोरेटरी में भेज देते हैं किसी भी पार्ट का, तो बायोप्सी का ये मतलब होता है, ठीक है। ये किसी को माउथ का कैंसर है तो उसके माउथ में से एक सैंपल ले लेंगे स्किन का और पता चलेगा, इस तरीके से, ठीक। दूसरा क्या आता है हमारे पास, सिटी स्कैन, ठीक है, सिटी स्कैन से भी पता चल जाता है। फिर क्या आता है हमारे पास, एमआरआई, ठीक है, एमआरआई से भी पता चल जाता है, ठीक है। फिर एंटीबॉडीज टेस्ट, एंटी बॉडीज टेस्ट भी होता है, ठीक है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ ये है। तो हमारे पास 1, 2, 3 और 4, ये 4 तरीके हैं पता लगाने के कि हाँ आपको क्या है, कि आपको कैंसर है या नहीं है, ठीक। अब उपचार की बात करते हैं, ठीक है, तो उपचार क्या है भाई, उपचार ऑब्वियस सी बात है कि भाई डॉक्टर से मिलिए, ठीक है, पर्टिकुलर जो कुछ दवाइयां हैं वो दवाइयां लीजिए, ठीक है, डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर से मिलना, ठीक है, दवाई लेना, ठीक है, सही टाइम पे पता चल जाए तो कीमोथेरेपी, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो कैंसर के उपचार में ये सब चीजें काम आती हैं। चलो कैंसर अभिज्ञान और निदान इसको समझ लेते हैं कि कैंसर के बारे में क्या है भाई, बहुत से लोगों की बहुत सारी गलत फहमियां हैं, ठीक है, तो यहां पर कैंसर अभिज्ञान मैंने क्यों बोला है कि कैंसर के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, तो कैंसर के बारे में ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या है भाई, तभी आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे, और किसी को अगर है, कोई आपको पता है कि किस तरीके से होता है, तो उसको भी आप समझा सकते हो कि नहीं ये कैंसर नहीं है, यहाँ ये कैंसर है, इसमें आपको ऐसा करना है, इसमें नहीं करना है, लोगों को जागरूक बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभिज्ञान से हम ये समझते हैं कि हमें नहीं पता होना, निदान मतलब कि किस तरीके से उसको, उसका निदान किया जाए, उसको उस चीज को समझा जाए, उसका रिजल्ट निकाला जाए, ठीक है। तो भाई कब निकलेगा, जब आपको खुद ज्ञान होगा उसके बारे में, जब खुद ही ज्ञान नहीं है तो उसका निदान क्या करोगे, है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो रोकथाम की अगर हम बात करते हैं कि भाई इसका रोकथाम कैसे करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर एक बार कैंसर सेल बन गई है, ठीक है, तो उसका रोकथाम के लिए क्या बोलोगे, रोकथाम की अगर हम बात करेंगे तो देखो रोकथाम में तो सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि भाई क्या करना है, धूम्रपान, जो धूम्रपान है, धूम्रपान, अरे बाप रे, धूम्रपान, ठीक है, धूम्रपान हो गया, इससे क्या करना है, बचना है, ठीक है, शराब, इससे भी बचना है, ठीक है, जो कीटनाशक फल सब्जी है, ठीक है, इससे भी बचना है, मतलब धोकर खाना है, अच्छे से धोकर खाना है,
ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम, और क्या बोल सकते हैं, और किस तरीके के, और क्या बोलेंगे हम, और क्या क्या चीजें आ जाएंगी कि हमने क्या बोला कि भाई तंबाकू शराब है ना, तो यहाँ पे हम तंबाकू भी डाल सकते हैं, तंबाकू से भी दूर रहो भाई, तंबाकू से बचना है। ठीक है, जहां पर रेडिएशंस आ जाती हैं, रेडिएशंस हैं, एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनसे भी क्या होना है, बचना है। तो ये सब क्या है हमारे, इसकी रोकथाम है, ठीक है, अपने आप को बचाना है, आपको इनसे रोकथाम करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको मज़ा आया पढ़ने में तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है, और खुद भी जागरूक बने, दूसरों को भी जागरूक बने, ताकि हम एक अच्छी और हेल्दी सोसाइटी का निर्माण कर सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।